खलील जिब्रान ने कहा था, तुम जुर्म के खिलाफ कैसे नारा लगाओगे, तुम्हारे मुंह में तो निवाला है, लेकिन अगर निवाला न हो और उसको पाने का एकमात्र साधन नौकरी वो भी ना हो, तो ऐसे में इंसान नारा न लगाए तो क्या करे। आज के समय में नौकरी गुजर का एकमात्र साधन है, और ऐसे में जब आशा की किरण दिखाकर अंधेरा मिले तो रोष होना तो लाजमी है। बहुत खटमल कर अपने जीवन की जमा पूंजी एक माता पिता अपने बच्चे में निवेश करते हैं। उन्हें यही संतुष्टि चाहिए कि बच्चा पढ़ लिख जाए, दो पैसे कमाए, सुखी रहे। क्या कोई माँ बाप कभी ये चाहेगा कि उनका बच्चा पुलिस की लाठियां खाए। लेकिन यही स्थिति आज देखने में आ रही है। कलम पकड़ने वाले छात्रों के हाथ में पत्थर, जिस रेलवे में वे नौकरी चाहते थे उसे जाम कर रहे हैं, उसे धू धू करके जला रहे हैं, और छात्रों का यह गुस्सा विपक्षों के लिए जहां एक शस्त्र बन गया है, वहीं राजनीतिक पार्टियां इसे अपनी राजनीति में भी प्रयोग कर रही हैं। अब सी लॉर्ड आपको यह बताने का प्रयास करता है कि यह विवाद आखिर है क्या और इसकी जड़ क्या है। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने दो भर्तियां निकाली। भर्ती निकली मार्च 2018 में, नोटिफिकेशन भी आया। परीक्षा साल 2019 के जून और सितंबर में हो जानी थी। छात्रों ने एड़ी चोटी का जोर इस परीक्षा की तैयारी के लिए झोंक दिया। परीक्षाएं दो तरह की भर्तियों के लिए 3 राउंड में होनी थी। पहली NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसके तहत रेलवे क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर जैसे 35,277 पदों पर भर्ती होनी थी। दूसरी है ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी, जिसके तहत चपरासी, गैंगमैन, ट्रैकमैन की 1,03,769 पदों पर भर्ती होनी थी। कुल पदों की संख्या 1,39,046 है, और इन पदों के लिए 2,42,00,000 से ज्यादा आवेदन है। इस कैलकुलेशन से समझिए कि भाषणों में देश का भविष्य बताया जाने वाला युवा वास्तव में किस स्थिति में है, किस परेशानी से जूझ रहा है। सही ढंग से अब तक भर्ती पूरी हो जानी थी, नौकरियां मुहैया हो जानी थी, मगर हुआ ये कि भर्ती 3 साल बाद 2022 में भी पूरी नहीं हो पाई। 24 से लेकर 26 जनवरी तक उग्र होकर प्रदर्शन छात्रों द्वारा किया गया। 3 में से अब तक सिर्फ 1 राउंड की परीक्षा हुई, वो भी जुलाई 2021 तय तारीख से 2 साल बाद। रिजल्ट आया 15 जनवरी 2022 को। रिजल्ट आते ही ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का आरोप था कि RRB NTPC के रिजल्ट में कई तरह की खामियां हैं, कमियां हैं। अभ्यर्थियों का बड़ा समूह रिजल्ट से नाखुश नजर आ रहा है और अपने साथ नाइंसाफी होने की बात कर रहा है। इसे स्कैम माना गया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हैशटैग चलाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से RRB NTPC से जुड़े कई हैशटैग लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। रिजल्ट आया भी तो NTPC वाले सिर्फ 1 राउंड यानी CBT 1 का। यहाँ CBT 1 का मतलब है कंप्यूटर में बेस टेस्ट। दरअसल NTPC के एग्जाम में 2 स्टेज में परीक्षा होनी थी, CBT 1 और CBT 2। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, जो पहला एग्जाम पास कर लेगा उसे दूसरे एग्जाम में बैठने को मिलेगा, और यदि उसने पास कर लिया तो उसकी नौकरी पक्की। लेकिन यहाँ इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब गौर करने वाली बात तो यह है कि ग्रुप डी वाली परीक्षा तो अभी हुई ही नहीं। विवाद तो NTPC के CBT 1 के रिजल्ट पर ही हो गया। 15 जनवरी को घोषित पहले परिणाम पर छात्रों ने उसी दिन से आपत्ति जताना शुरू कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा उग्र ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक परीक्षा CBT 1 के बाद चुन लेना था। लेकिन कुछ दिन पहले इसमें भी दूसरे चरण की परीक्षा कराने का नोटिफिकेशन आया तो छात्र और नाराज हो गए। पूछने लगे कि ये प्रीमेंस करा रहे हैं, चपरासी की भर्ती है या IAS IPS चुना जा रहा है। छात्रों की आपत्ति है कि रिजल्ट को ठीक ढंग से नहीं जारी किया गया। नियम था कि CBT 1 के निर्धारित पदों से 20 गुना ज्यादा छात्र छात्राओं को चयन CBT 2 के लिए किया जाएगा, मगर छात्रों का आरोप है कि 20 गुना नहीं, सिर्फ 12 से 13 गुना ही छात्रों को क्वालिफाई किया गया। उसमें छात्र नहीं रोल नंबर चुन लिए गए। कई पदों के लिए तो एक ही छात्र का चयन हो गया। इसे ऐसे समझें कि किसी एक को ही क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स मास्टर जैसे 4-5 पदों के लिए चुन लिया गया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि RRB ने नोटिफिकेशन में कुल पदों के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थियों को CBT 1 में सिलेक्ट करने की बात जब कही, लेकिन रिजल्ट जारी जब करा तो रोल नंबर को ही कई बार सिलेक्ट कर लिया। साथ ही एक और मांग आई कि 10+2 और ग्रेजुएशन वाले छात्रों की अलग अलग परीक्षा हो। नतीजा हुआ कि बात बढ़ गई
और 26 तारीख को गया के पास उग्र छात्रों ने श्रमजीवी एक्सप्रेस में आग लगा दी। बोगियां धूं धूं कर कर जलने लगी। तब जाकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान आया। रेलवे बोर्ड ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिजल्ट आने के बाद से ही आरआरबी पर सवाल उठने लगे, तो रेल मंत्रालय की ओर से जवाब आना तो लाजमी था। रेल मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बिंदुवार आपत्तियों पर जवाब दिया गया। रिक्तियों के 20 गुना उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करने की बात पर बोर्ड ने साफ किया कि नोटिफिकेशन के पैरा 13.2 के अनुसार सीबीटी 2 में प्रत्येक लेवल के लिए अलग परीक्षा होगी और सीबीटी 1 में सभी के लिए समान परीक्षा होगी, जिसके आधार पर रिक्तियों के हिसाब से 20 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि नोटिफिकेशन में कहीं भी ये बात नहीं कही गई थी कि 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि सीबीटी 2 में सभी लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए अलग अलग परीक्षा होती है, तो एक उम्मीदवार को एक से अधिक पदों के लिए चयनित किया जा सकता है। वहीं कट ऑफ काफी ऊपर होने के जवाब में बोर्ड ने कहा कि ये नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर जारी की जाती है, जो कि कुल रिक्त पदों पर भी निर्भर करती है। इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए सीबीटी 1 का रिजल्ट भी उसी आधार पर जारी किया गया है। हालांकि 3 साल से भर्ती पूरी होने के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी रेल मंत्रालय के जवाब से असंतुष्ट हैं और अभी भी रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भारत का युवा केवल सरकारी फाइलों में ही रोजगार प्राप्त होगा या असल जीवन में भी नौकरी उसके हाथ आएगी। वर्तमान परिदृश्य तो यही है कि छात्र छात्राओं की पीड़ाएं कसमसा रही हैं और न्याय की मांग कर रही हैं।